हेलो हे गाइस, दिस इज निशांत। तो यार आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि द अनटोल्ड रियलिटी जो हम कॉलेजेस का कर रहे थे उसमें आज हम एक नए कॉलेज को कवर करने वाले हैं, जो कि है यार आपका IIIM ग्वालियर। और ये यार वन ऑफ द टॉप IIITs में काउंट किया जाता है, तो इसीलिए इसको इस वीडियो को बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आपने हमारे कॉलेज के प्लेलिस्ट को अभी तक चेकआउट नहीं किया तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, और उसके अलावा यार मैंने बहुत सारे लिंक्स डाल रखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं, तो उनको भी यार आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप देख पा रहे होगे तो ये है यार IIIIM ग्वालियर का यार ये फेमस आइकॉनिक जो आपका प्ले फेमस आइकॉनिक प्लेस। ठीक है, तो अगर यार इस कॉलेज की बात की जाए तो 3-4 साल पहले यार इस कॉलेज का नाम हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा गया इस कॉलेज को। उससे पहले यार ये सिर्फ IIIIM ग्वालियर हुआ करता था। तो इस कॉलेज का यार पूरा नाम अगर बात की जाए तो यार ये है यार आपका अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ग्वालियर, जिसे हम शॉर्ट में IIIIM ग्वालियर भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद NIRF 2022 की बात की जाए तो यार इसका 78th रैंक है इंजीनियरिंग में। और अगर एस्टैब्लिशमेंट की बात की जाए तो यार 1997 में ये एस्टैब्लिश हुआ था, और वही एक टाइम था जिस टाइम में यार इंडिया में IIITs चलन में आया था। ठीक है, और नए नए IIITs यार बनने चालू हुए थे, जिसमें यार आपका IIIT हैदराबाद के बारे में आप सबने सुना होगा, तो उसका भी यार मैंने वीडियो कवर कर रखा है, तो वो आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर लेना अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया तो। उसके बाद यार अगर इस कॉलेज की बात की जाए तो 168 एकर्स में इसका कैंपस फैला हुआ है। लेकिन अगर मैं एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बताऊं तो ये कॉलेज यार जो है गवर्नमेंट फंडेड है सॉरी ये कॉलेज आपका गवर्नमेंट फंडेड है, तो इसमें जो है इसकी फीस काफ़ी ज़्यादा कम है। इससे पहले आपने IIIT इलाहाबाद और IIIT लखनऊ का देखा था, तो उसकी फीस यार कंपेरेटिवली ज़्यादा थी, बट ये कॉलेज यार उनके कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा सस्ता है। अगर इसके कनेक्टिविटी की बात की जाए तो यार आपका ग्वालियर एयरपोर्ट से अराउंड 12.5 किलोमीटर्स है, और ग्वालियर जंक्शन रेलवे स्टेशन से अराउंड 5 किलोमीटर्स है। तो वहाँ से आपको ऑलरेडी वहाँ से आपको रिक्शा वगैरह या ऑटो आप ले सकते हो। तो मैं पर्सनली इस कॉलेज में गया हुआ हूँ, आपका जो ICPC का कंपटीशन होता है तो उसमें ये कॉलेज कंडक्ट कराता था। तो 2020 में मैं इस कॉलेज में गया हुआ हूँ, तो एक फनी टाइप मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसके बाद यार मोड ऑफ एडमिशन की अगर बात की जाए तो यार जेई मेंस के थ्रू इसमें एडमिशन होता है, और उसके अलावा यार आपको जोसा काउंसलिंग के थ्रू एंड CSEV स्पेशल राउंड से आपको ये कॉलेज मिलेगा। तो उसके लिए आपको जो फेमस आपका जोसा काउंसलिंग है वो भरना पड़ेगा। उसके बाद अगर यार कुछ सीटें वैकेंट रह जाती हैं सीट्स, तो आप CSEV स्पेशल राउंड जो रहता है उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर स्कॉलरशिप की बात की जाए तो यार जो इंस्टीट्यूट है वो यार मतलब जो फाइनेंशियली वीकर स्टूडेंट्स रहते हैं उनको यार बहुत सारे स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। लेट से अगर आपका पेरेंटल इनकम यार अगर 1 लाख से कम है तो ट्यूशन फीस पे 100% वेवर मिल जाता है। उसके बाद यार कुछ 1 to 2.5 लाख पे भी अराउंड 50% वेवर है। तो कुछ कुछ अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, तो और लेकिन यार उसके लिए एक कंडीशन है कि आपको एक डिसेंट जो ग्रेड है वो आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। उसके अलावा यार जो SC ST स्टूडेंट्स हैं यार उनको फुल्ली आपकी ट्यूशन फीस वेवर दे दिया जाता है, तो बस उनको बहुत कम फीस उनकी लगती है। अगर टोटल सीट्स की बात की जाए तो यार आपका जो CSE में यार 4 ईयर BTEC, इसमें बेसिकली यार तीन तीन मतलब अलग डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। पहला है आपका BE या BTEC आप कह लो, दूसरा है यार आपका 5 ईयर इंटीग्रेटेड BTEC प्लस MTEC कोर्स, एंड तीसरा है यार आपका 5 ईयर इंटीग्रेटेड BTEC प्लस MBA कोर्स। तो अगर यार 4 ईयर प्रोग्राम की बात की जाए तो यार जनरल न्यूट्रल का यार कंप्यूटर साइंस में सीट है 63 एंड फीमेल ओनली का यार 12 सीट्स है। उसके बाद यार 5 ईयर इंटीग्रेटेड BTEC एंड MTEC कोर्स में यार अगर बात की जाए तो BTEC IT एंड MTEC IT जनरल न्यूट्रल के लिए यार 100 सीट्स हैं, और उसके अलावा यार इंटीग्रेट जो फीमेल ओनली है उनके लिए यार 20 सीट्स हैं। फिर उसके बाद यार अगर इंटीग्रेटेड BTEC एंड MBA कोर्स की बात की जाए तो यार इसमें आपको BTEC जो है IT में करनी पड़ेगी और MBA रहेगा, तो जनरल न्यूट्रल की यार यहाँ पे 58 सीट्स हैं। उसके अलावा यार जो फीमेल ओनली रहती है उनके लिए यार 12 सीट्स हैं, तो टोटल 265 सीट्स ऑफर किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये यार IIIT है तो आपको पता होगा कि IIIT इज बेसिकली फोकस्ड ऑन आपका जो है सिर्फ CS रिलेटेड ब्रांचेस के लिए, तो CS एंड IT ही इनका मेन टारगेट रहता है। अगर फीस की बात की जाए तो यार 12 to 13 लाख आपका फीस रहने वाला है नॉर्मल कंडीशंस में।
ठीक है। और उसके अलावा अगर आपको ट्यूशन फी वेवर होता है तो ये फीस बहुत कम हो जाता है। तो अगर इंस्टीट्यूट की फीस की बात की जाए तो यार ये आपका पर सेमेस्टर फीस अराउंड 99,750 रहता है, जिसमें से यार आपका 10,000 वन टाइम है और आपका 16 टाइम जो जो वन टाइम फीस है उसके अलावा 16,750 रुपीज़ है। तो कुछ कुछ कॉशन फीस एंड वन टाइम फीस भी होती है। तो उसके अलावा यार अगर बात कर दी की जाए तब भी आपको इतना ही पैसा लगने वाला है, क्योंकि बहुत सारे आप अराउंड कोर्सेज रहते हैं, कुछ डिफरेंट आपके एक्टिविटीज़ रहती हैं, उनके कुछ अलग चार्जेस होते हैं। तो आप ये मान के चलो कि आपका 1 लाख के आसपास यार पर सेमेस्टर आपका खर्चा होने वाला है। बट यार अगर ऑफिशियली फीस की बात की जाए तो यार ये आपका 65,000 प्लस 8,000 आपका 73,000 ही रहने वाला है। उसके बाद यार अगर हॉस्टल फीस की बात की जाए तो यार आपको 29,500 आपका पर सेमेस्टर रहने वाला है, जिसमें से अगेन यार कुछ वन टाइम फीस है और कुछ जो है कॉशन डिपॉजिट रहता है, जो आप कॉलेज छोड़ने के बाद या हॉस्टल छोड़ने के बाद आपको वो सीट्स मिल वो जो पैसे हैं वो आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो कॉलेज ओवरऑल आपको 12 से 13 लाख रुपए में पड़ने वाला है ये कॉलेज, जो कि बाकी ट्रिपल आई टी से अगर आप कंपेयर किया जाए तो वो बहुत ही कम है। अगर आपको पता होगा तो ट्रिपल आई टी दिल्ली की जो फीस है अराउंड यार आपका 16 से 20 लाख शूट अप हो जाता है। सिमिलरली यार जो आपका ट्रिपल आई टी लखनऊ है उसकी भी फीस इतनी ही है, और ट्रिपल आई टी हैदराबाद और बैंगलोर की भी फीस इतनी रहती है। तो उनके कंपैरिजन में ये कॉलेज मतलब काफ़ी कम फीस है इस कॉलेज की। अगर कैंपस फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो यार इनका सेंट्रल लाइब्रेरी जिसमें मोर देन 50,000 बुक्स हैं। उसके अलावा यार आपका एयर कंडीशन क्लासरूम में स्ट्रॉन्ग रिसर्च आपका प्रोग्राम रहता है, ग्रेट कोडिंग कल्चर है यार यहाँ पे, बहुत बच्चे यहाँ पे यार आईसीपीसी में भी पार्टिसिपेट करते हैं। बेसिकली ये कॉलेज ही आपका आईसीपीसी कंडक्ट कराता है, तो बहुत सारे बच्चे जीतते भी हैं वहाँ पे। उसके अलावा यार जो इंस्टीट्यूट है उसके पास वेल स्टैब्लिश क्लब एंड सोसाइटीज़ हैं, क्योंकि और उनके लिए यार सेपरेट आपके वर्किंग रूम्स भी हैं। फिर उसके बाद यार इंस्टीट्यूट के पास एक न्यू एकेडमिक बिल्ड मतलब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है, जिसमें आपके टेबल टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल, बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, क्रिकेट, फुटबॉल के लिए यार सेपरेट ग्राउंड है, और पूल टेबल, स्क्वैश टेबल और ये सब भी यार आपका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में प्रोवाइड किया जाता है। और फुटबॉल के लिए यार मतलब मैं जब उस कैंपस में गया था तो अराउंड मैं मेरे हिसाब से दो मतलब काफ़ी बड़े साइज़ के उन्होंने बना रखे थे ग्राउंड फुटबॉल के लिए, तो ये यार एक अच्छी चीज़ है। उसके अलावा यार जो इंस्टीट्यूट है उसमें यार कोच फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है स्टूडेंट्स को, बट उसके लिए शायद कुछ चार्जेस रहते हैं, तो उसके बारे में मेरे को ऐसा ज़्यादा आइडिया नहीं है। उसके बाद यार इंस्टीट्यूट में यार वेल इक्विप्ड जिम है और जिम ट्रेनर भी आपको प्रोवाइड किया जाता है कैंपस में डे टाइम के दौरान। उसके बाद यार अगर प्लेसमेंट्स की बात की जाए तो जो आपका ट्रिपल आई टी हैदराबाद का प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, जो ट्रिपल आई टी दिल्ली का है, लगभग लगभग सिमिलर ही रहता है, उनसे 19-20 कम रहता है, बट इसका मतलब ये नहीं बट कि ना बहुत कम है इसकी जो प्लेसमेंट है। और हाईएस्ट पैकेज की बात की जाए तो यार आपका 1.95 CR गया था ये यार मेटा ने एक स्टूडेंट को पीपीओ में दिया था प्री प्लेसमेंट ऑफर में। तो बेसिकली डोमेस्टिक पैकेज नहीं है ये, आपका इंटरनेशनल पैकेज है। उसके बाद यार अगर डोमेस्टिक की बात की जाए तो आपको 49 LPA रहता है। फिर अगर एवरेज CTC की बात की जाए तो यार आपका DA 20.86 LPA था, और मीडियम पैकेज की अगर बात की जाए तो यार आपका 17.43 LPA रहा था, और मिनिमम पैकेज यार आपका 10.56 LPA रहा था। फिर प्लेसमेंट्स की अगर बात की जाए तो यार प्लेसमेंट जो है यहाँ पे यार टॉप नॉच है, और जो मेजर रिक्रूटर्स हैं इनके यार आपके अमेजोन, लिंक्डइन, गोल्डमैन सैक्स, गूगल, फ्लिपकार्ट, ये सारे हैं, जो कि यार आपके सेम दूसरे IIITs में भी रहते हैं। फिर अगर यार एवरेज पैकेज अगर ब्रांच वाइज बात की जाए तो यार आपको 24.85 LPA रहा था। उसके बाद इंटीग्रेटेड बीटेक और आई जो एमटेक है उसका यार 23.26 रहा था, और इंटीग्रेटेड बीटेक एंड ITM MBA का यार आपको 18.85 रहा था। हाईएस्ट पैकेज यार ब्रांच वाइज बात की जाए तो CSE का यार आपका 19.5 LPA रहा था, जो प्लेसमेंट है वो 100% 19. अगर यार आपके हाईएस्ट पैकेज यार ब्रांच वाइज की बात की जाए तो 1.95 करोड़ रह था आपका CSE का। उसके बाद यार इंटीग्रेटेड बीटेक एंड आईटी का यार आपका 1 CR था। उसके अलावा यार जो इंटीग्रेटेड बीटेक एंड एमबीए उसका यार 45 LPA रहा था। फिर उसके बाद यार अगर बात की जाए तो इसमें आपकी जो ये सारी कंपनीज की मैंने लिस्ट डाल दी है। फिर हॉस्टल्स की बात की जाए तो यार आपका टोटल 6 हॉस्टल है, जिसमें यार 4 बॉयज़ 1 गर्ल एंड 1 इंटरनेशनल हॉस्टल है, जो कि यार विजिटर्स के लिए भी है। फिर उसके बाद यार टोटल 4 बॉयज़ हॉस्टल है एंड जो कि यार अरावली हॉस्टल है, जो कि बेस्ट है यार जितने भी हॉस्टल्स हैं, और ये यार सबसे पुराना हॉस्टल भी है कैंपस का। उसके अलावा यार जो आपका सेकेंड हॉस्टल है वो यार आपका नीलगिरी है। उसके बाद यार जो आपका थर्ड हॉस्टल है वो आपका शिवालिक हॉस्टल है, जो कि यार आपका भगवान
शिव के नाम पे नाम रखा गया था। और जो फोर्थ हॉस्टल है वो आपका सतपुरा है, जो कि सबसे नया है अभी करेंटली जितने भी हॉस्टल्स हैं उसमें। उसके अलावा यार एक वन इंटरनेशनल विजिटर हॉस्टल भी है, जो कि बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल कैंपस है उसका। मैं गया हुआ हूँ उस हॉस्टल वो में, तो वो बहुत ही सुंदर है। अंदर से आपको एक रिजॉर्ट वाली फील आने वाली है। उसके बाद यार अगर फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो प्लेग्राउंड, इंडोर कॉम्प्लेक्स जो है वो आपका, इंडोर गेम्स जिसमें टीवी लाउंज हो गया। उसके बाद हर एक रूम में यार मतलब जो गीजर है वो है। उसके बाद वाटर प्योरीफायर प्रोवाइड किया जाता है हर एक जो यूनिट है हॉस्टल का। और हॉस्टल जो है यार मतलब काउंसिल ऑफ वार्डेंस है उनके द्वारा मतलब मैनेज किया जाता है। उसके बाद यार एक गर्ल हॉस्टल है जिसका नाम यार आपका गंगोत्री हॉस्पिटल है, ठीक है, और जो कि यार काफ़ी मतलब ब्यूटीफुल हॉस्टल है। और उसका जो आपका आर्किटेक्चर है वो भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। उसके बाद एक जो है आपका प्रॉपर जो इंटरनेशनल विजिटर हॉस्टल है वो भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, तो उसमें भी यार सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएंगी। और अगर आप तो मतलब ज़्यादा दिन रहना चाहते हो तो आपको वहाँ पे रेफ्रिजरेटर और कुकिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया जाता है रूम के अंदर, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद यार अगर डाइनिंग फैसिलिटी की बात की जाए तो मेस फूड जो है वो यार क्वाइट डिसेंट है। उसके अलावा जो वेज एंड नॉन वेज फूड है आपको दोनों मिलता है। उसके अलावा यार जो चार मील आपको एक दिन में अलाउ मिलता है उस, और 24/7 यार आपका नाइट कैंटीन जो है वो रीजनेबल रेट पे अवेलेबल रहता है। फिर यार अगर कॉन्स की बात की जाए तो हर एक मतलब जो भी IIITs हैं उनमें बस एक बेसिक कॉन यही है कि यार थोड़ा सा असाइनमेंट का डेडलाइन और वर्कलोड ज़्यादा रहता है, और प्लेजरिज्म पॉलिसी की वजह से वो मतलब आपको खुद से करना पड़ता है। ये नहीं कर सकते कि आपने मतलब किसी से चिपका लिया, तो वो चीज़ अभी नहीं रहता मतलब किसी भी IIITs में। जनरली जो भी टॉप IIITs हैं उनमें तो यही है। IIIT दिल्ली हो गया या IIIT हैदराबाद हो गया, तो उनमें भी यही आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यार अरोरा जो है इनका कल्चरल फेस्ट है यार IIIT ग्वालियर का, ये मैंने आपको लगा दिया है। तो अगर मतलब प्रोनाउंसिएशन में कुछ मिस्टेक हो गई हो तो माफ़ कर देना है यार, क्योंकि मतलब मेरे हिसाब से यही प्रोनाउंस करते हैं। और अगर फाइनल वर्डिक्ट की बात की जाए तो यार अगर अगर आपको IIITM ग्वालियर मिलता है उससे बेटर कॉलेज में अगर आपको अगर IIITs में ही जाना है तो IIIT हैदराबाद, IIIITBangalore या IIIITDelhi अगर आप नहीं ले पाते हो तो IIIITGwalior यार आपके लिए बेस्ट प्लेस हो सकता है। और इसमें मतलब कुछ होम रिजर्वेशन भी है, मतलब जो मध्य प्रदेश के बच्चे हैं उनके लिए भी रिजर्वेशन है। तो कट ऑफ की अगर बात की जाए तो यार अराउंड आपका 9-10 हज़ार पे ये क्लोज हो जाता है कॉलेज, तो उससे आपको पता लग रहा होगा कि कितनी ज़्यादा वैल्यू है। स्पेशल राउंड में जाते जाते अराउंड 20,000 रैंक तक भी मिल जाता है ये कॉलेज, तो ये चीज़ है। और प्लेसमेंट आपको बहुत सही है, प्रोफेसर्स इनके बहुत अच्छे हैं, और सबसे बड़ी बात ACMICPC इसी कॉलेज में कंडक्ट होता था आज से 2 साल पहले तक। और अभी यार मतलब थोड़ा सा ACMICPC कहाँ कंडक्ट हो रहा है उसका आइडिया मेरे को नहीं है। तो ओवरऑल इस कॉलेज का कोडिंग कल्चर एंड ऑल सब कुछ यार बहुत सही है। तो अगर आपको एक कॉलेज मिलता है तो आप डेफिनेटली उसको चेकआउट कर सकते हो। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अराउंड 10% लोग ही यार चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो और वीडियो में कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हो तो वो आप मेरे को बता देना। उसके अलावा यार आप मेरे को इंस्टाग्राम पे और लिंक्डइन पे और टेलीग्राम पे आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हो, तो वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो आप यहाँ पे जाके मेरे को फॉलो कर सकते हो। और अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, डेफिनेटली मैं हमेशा यार हेल्प करूंगा। उसके अलावा यार आप मेरे मेल आईडी पे भी मेरे को मेल कर सकते हो अगर किसी को काउंसलिंग रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो। और यार वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और जहाँ तक हो सके वहाँ तक यार शेयर करना, और आप लोग सब्सक्राइब करना ताकि हमारी रीच इंक्रीज हो। तो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।